से पहले देखते हैं नगर के प्रमुख हलचल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा रतलाम के महापौर पद पर मयंक जाट की घोषणा की। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने भव्य वाहन रैली निकालकर अपना महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने भी वाहन रैली निकाली। वाहन रैली के माध्यम से प्रहलाद पटेल भाजपा वरिष्ठ नेताओं के साथ में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के बागी उम्मीदवार सीमा टाक ने भी ठोकी ताल। महापौर पद के लिए सीमा टाक ने निर्दलीय रूप में दाखिल किया नामांकन पत्र। कांग्रेस पार्टी द्वारा नगरी निकाय चुनाव में सहज सरल व्यक्तित्व वाले मयंक जाट को महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया था। मयंक जाट ने भव्य वाहन रैली निकालकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा रतलाम शहर के महापौर प्रत्याशी पद पर मयंक जाट का नाम देर शाम जारी करने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल निर्मित हो गया था। शहर कांग्रेस में पहली बार ऐसा ऊर्जावान महापौर पद का प्रत्याशी आने से कार्यकर्ताओं में खासा ऊर्जा का संचार होता दिखाई दिया। महापौर पद के कांग्रेस उम्मीदवार मयंक जाट द्वारा निकाले जाने वाली नामांकन रैली में वैसे तो समय सुबह 11 बजे का दिया गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों से सुबह 10 बजे ही आना आरम्भ कर दिया था। स्थानीय सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर ऐसा लग रहा था मानो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर मेला लग रहा हो। हर तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। वहीं नामांकन रैली के लिए कांग्रेस युवा उम्मीदवार मयंक जाट जैसे ही पहुंचे तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही उनके समर्थकों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। हर कोई मयंक जाट के साथ स्वागत करते हुए अपने फोटो लेने को बेताब दिखाई दिया, जिसकी वजह से मयंक जाट खुद कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की का शिकार हो गए। लेकिन उनकी सहृदयता का यह आलम रहा कि धक्का मुक्की करते हुए भी वे मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का दिल व मनोबल बनाए रखा। रैली में जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार दिखाई दिया, वहीं कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर भी वर्षों के बाद नगरी निकाय चुनाव में आत्मविश्वास के साथ चेहरे पर सुकून की मुस्कान दिखाई दे रही थी। यहां पर पहुंचने वाले वरिष्ठ नेताओं में पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनोद मिश्रा मामा, जेम्स चाको, पूर्व महापौर पारस सकलेचा, अनिल झालानी, मुबारक खान, यास्मिन शेरानी, ईश्वर बाबा, भगवती शर्मा गुरु, राजीव रावत, अनिल पुरोहित के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस पार्षद पद के उम्मीदवार भी अपने लाडले नेता की नामांकन रैली में शामिल हुए। उन्होंने रैली में शामिल होने से पूर्व मयंक जाट को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया। वहीं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी मयंक जाट का स्वागत करते हुए पुष्पमाला पहनाकर बधाई दी। रैली सैलाना बस स्टैंड से प्रारंभ हुई। कांग्रेस पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी मयंक जाट की इस नामांकन रैली का मार्ग में जगह जगह स्वागत भी हुआ।
शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची, जहां पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस के युवा प्रत्याशी मयंक जाट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस महापौर पद के उम्मीदवार मयंक जाट ने नामांकन पत्र दाखिल किया। महापौर पद के कांग्रेस उम्मीदवार मयंक जाट की नामांकन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए स्थानीय कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंची एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में कांग्रेस महापौर पद के उम्मीदवार मयंक जाट ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जेम्स चाको, जयेश जलानी, राजीव रावत, शैलेंद्र अठाना, जोहेब आरिफ के साथ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस महापौर पद के युवा प्रत्याशी मयंक जाट ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। जनता इनके 15 साल के कार्यकाल से परेशान हो चुकी है। कांग्रेस पद के महापौर उम्मीदवार मयंक जाट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, मैं बहुत आभार करता हूँ। रणनीति तो मेरे लिए जनता ने तैयार कर ली है, जनता के द्वारा तैयार हो चुकी है। भाजपा के खिलाफ जो रणनीति थी वो जनता ने तैयार कर ली है। जनता हमारे साथ है, आज उसका परिचय आपको दिख ही गया होगा। और जिस हिसाब से 15 साल के अंदर जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कमीशनखोरी है, जो प्रशासन के द्वारा गरीबों को, सामान्य वर्ग को और हर तबके को कमीशन खोरी के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, तो आज आप रतलाम में कांग्रेस के माहौल से देख सकते हैं कि आज हमारी क्या स्थिति है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने हम पर भरोसा कर लिया है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। क्योंकि आपका ही सवाल है कि 15 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, अपने नगर सरकार भी है, लेकिन उसके बाद भी आज रतलाम की क्या स्थिति है वो रतलाम की हर जनता, हर इंसान, हर व्यक्ति, हर माताएं, हर बुजुर्ग इंसान जानता है कि रतलाम की क्या स्थिति है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि रतलाम की पूरी जनता आज कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, आज उस युवा व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है जो उनको एक सुनहरा भविष्य दिखाएगा, बनाएगा और रतलाम का विकास करेगा। भाजपा के बागी उम्मीदवार महापौर पद के प्रत्याशी सीमा टाक ने अपने क्षेत्र से वाहन रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। निर्दलीय प्रत्याशी के मैदान संभालते ही महापौर पद का चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी की बागी सीमा टाक ने ताल ठोक दी है। सीमा टाक 10 साल से पार्षद रही हैं और पटरी पार के बड़े क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। सीमा टाक जिले में बीजेपी के बढ़ते वंशवाद और टिकट नहीं मिलने से नाराज है। 2,14,000 वाली रतलाम नगर निगम सीट इस बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में सीमा टाक ने भी पार्टी के सामने अपना दावा पेश किया था, लेकिन टिकट मिला विधायक समर्थक प्रहलाद पटेल को। टिकट नहीं मिलने से नाराज सीमा टाक ने कल रतलाम विधायक के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा भी किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। ऐसे में नाराज सीमा टाक ने अब निर्दलीय मैदान संभाल रही है। सीमा ने आज भाजपा पर वंशवाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रही हैं। महापौर पद की प्रत्याशी सीमा टाक ने अपने क्षेत्र से वाहन रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची। महापौर पद के निर्दलीय उम्मीदवार सीमा टाक ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, आगे की रणनीति रहेगी, क्या सोचा है आपने और किस तरह से आप लगता है कि आपकी अनदेखी की गई?
हम लोग सड़क पर निकल चुके हैं और अब बैठने वाले नहीं हैं। निश्चित हम रतलाम शहर के कार्यकर्ता की आवाज़ बनकर निकले हैं। जिस प्रकार से रतलाम शहर में भारतीय जनता पार्टी विशाजी मेंशन पर गिरवी पड़ी हुई है और यहाँ पर भाईवाद और वंशवाद चलाया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग निकले हैं। हमारा मात्र उद्देश्य था कि रतलाम शहर के ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, जो कि इन्होंने पूरे अपने यहाँ नौकरी करने वाले लोगों को, अपने यहाँ पर अपने रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को, इस प्रकार लोगों को टिकट वितरण कर रहे हैं। उसी को लेकर हम 25 साल 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारा मान सम्मान का कहीं ध्यान न रखा, न हमें टिकट दिया, न हमारे कार्यकर्ता का कहीं ध्यान दिया गया। वार्ड नंबर 8 में हमारा 25 साल से मंगल सिंह पवार जी काम कर रहे हैं, उनकी टिकट को दरकिनार करते हुए उन्होंने भारी व्यक्ति को टिकट दिया है, उसका घोर विरोध है। और हम हमारे मंगल सिंह जी को हम चुनाव बिल्कुल मेरे साथ में 17 निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपने जो फॉर्म वगैरह है, आपने महापौर के लिए आवेदन किया है, महापौर पद के लिए आवेदन किया है? जी हाँ, किया ना, महापौर का फॉर्म भर के आई ना। अब इसके अंदर किस तरह से लगता है कि ये चयन प्रक्रिया है वास्तव में गलत है, इन्होंने सब एक कमरे में बैठ के बना दिया है, ऐसा लगता है आपको? चार लोगों ने मिलकर पूरे शहर के टिकट बांटते हैं। कोर कमेटी केवल नाम होती है, पहले तो विशाजी मेंशन में बुला के कार्यकर्ता से आवेदन लिए जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है कि तुम 3 बार के पार्षद हो, 2 बार के पार्षद हो, टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नए व्यक्ति को मिलेगा, 90% नए व्यक्ति को टिकट देंगे, हम ऐसा करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि पार्षदों को तो ये बोला जाता है कि नए व्यक्ति को टिकट मिलेगा, 55 वाले को टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या सांसद और विधायक भी 55 के बाद नहीं लड़ेंगे, उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा क्या? वहीं बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद पटेल इस चुनौती को लेकर ज़्यादा गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार बड़ा है, रूठो को मना लिया जाएगा। हमारी पार्टी एक बड़ा परिवार है और परिवार में रूठना मनाना चलता है, हम सभी सेट कर लेंगे। माँ विंध्यवासिनी ग्रीन सिटी में अपने घर का सपना करे साकार, जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9179970906, 8899468989, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टूलेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। शहर कांग्रेस द्वारा अंतिम समय में अपने पार्षद पद के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, साथ ही महापौर पद के उम्मीदवार के लिए मयंक जाट का नाम घोषित कर दिया। भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल अपने समर्थकों के साथ अलकापुरी चौराहे से वाहन रैली निकालकर महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा महापौर प्रत्याशी के रूप में शहर के प्रमुख व्यवसाय व पूर्व पार्षद प्रहलाद पटेल ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। प्रहलाद पटेल रतलाम आगमन पर उनके समर्थकों द्वारा भव्य वाहन रैली निकाली गई थी। साथ ही प्रहलाद पटेल ने करीब 11 बजे के आसपास अलकापुरी चौराहे से भाजपा वरिष्ठ नेताओं के साथ ही शहर विधायक चेतन काश्यप, सांसद गुमान सिंह डामोर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा के साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टोरेट पहुंची, जहां पर भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
भोपाल से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने रतलाम महापौर पद के कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट के नाम की घोषणा की। नगरी निकाय चुनाव की घोषणा होने के साथ ही रतलाम महापौर पद के लिए सस्पेंस बरकरार रखा हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से राजीव रावत एवं मयंक जाट के बीच में आलाकमान पसोपेश की स्थिति में थे। आखिर में देर शाम भोपाल से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने रतलाम महापौर पद के कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट के नाम की घोषणा कर दी एवं तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रतलाम महापौर पद के लिए युवा उम्मीदवार मयंक जाट के नाम पर विश्वास व्यक्त किया। आशा व्यक्त की कि इस मर्तबा रतलाम शहर को कांग्रेस ने एक युवा जोश, सेवाभावी, कर्मठ, निष्ठावान एवं सरल व्यक्तित्व वाले मयंक जाट के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। वहीं कांग्रेस संगठन आश्वस्त है कि इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी इतिहास रचेगी और महापौर पद के साथ नगर निगम में अपना बोर्ड भी बनाएगी। मयंक जाट के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों में उत्साह छा गया एवं उनके सेलाना बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर ढोल धमाके के साथ आतिशबाजी करते हुए खुशी व्यक्त की एवं कांग्रेस महापौर पद के उम्मीदवार मयंक जाट का स्वागत करने कई सामाजिक संगठन उनके सेलाना बस स्टैंड स्थित कार्यालय पर पहुंचे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा रतलाम के महापौर पद पर मयंक जाट की घोषणा की। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने भव्य वाहन रैली निकालकर अपना महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने भी वाहन रैली निकाली। वाहन रैली के माध्यम से प्रहलाद पटेल भाजपा वरिष्ठ नेताओं के साथ में नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के बागी उम्मीदवार सीमा टाक ने भी ठोकी ताल। महापौर पद के लिए सीमा टाक ने निर्दलीय रूप में दाखिल किया नामांकन पत्र।